वालेकुम। आप लोग कैसे? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के लिए नई रेसिपी लाई हूँ जिसका नाम है मटन के कीमे के कटलेट्स। वो कैसे बनते हैं मैं भी आपको बताती हूँ। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आधा किलो ये ले लिया था आलू। आलू को मैंने उबाल कर मैश करके रख दिया है, अपडेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने ना प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली हूँ, उसको बारीक काटती हूँ, और दो हरी मिर्च ली हूँ, उसको भी बारीक काटती हूँ, और दरदरा मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और यह है मटन का कीमा। मटन के कीमे को मैंने पहले ही नमक डाल के गला ली हूँ, क्योंकि इसको गलाना ज़रूरी है। यहाँ पर हरी धनिया बारीक काट दी, और एक अंडा, और ये हरी धनिया की जो डंडी थी उसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर दिया। और इसमें से देखिए जो मसाले लगेंगे मैं वो भी डालती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पर पतीली रख दिया है, इसमें एक चम्मच ऑयल डाल दी मैंने। अब गैस के फ्लेम को चालू करती हूँ। चलिए देखिए, तेल गर्म हो गया है। इसमें थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे, ज़रा सा। अब इसमें हमारी जो प्याज कटी हुई है ये भी डाल दी, और हरी मिर्च। अब इसको डार्क ब्राउन कलर नहीं करना है, कच्ची पक्की रखना है प्याज को, क्योंकि एकदम डार्क कर देंगे तो फिर वो जलाएंगे, फिर उसमें महक आएंगी, इसलिए हम इसको कच्ची पक्की रखेंगे। और मैंने इसमें एक चम्मच ऑयल लिया है। चलिए देखिए, इतना ही चाहिए हमें कि प्याज का पानी जो रहता है वो जल जाए और हमारी प्याज नरम हो जाए। अब इसमें हम छोटा एक चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि मैंने कीमे में नहीं डाला था, ऐसे ही मैंने इसको उबाल लिया था, नमक डाल के। और फ्लेम को थोड़ा स्लो रखेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे कीमा, थोड़ा थोड़ा करके। और कीमा मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम, मैं बताना भूल गई थी, कीमा है ये 200 ग्राम, बारीक वाला कीमा है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे दूसरे वाले, मैंने फ्लेम को थोड़ा स्लो रखा है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और ये थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालना, क्योंकि पहला जब हम कीमा गलाते हैं तो उसमें डाल के गलाते हैं, तो हिसाब से डालना। और थोड़ा सा गरम मसाला, और यहाँ पर जो मैंने जीरा पाउडर रखा है ये भी हम डाल देंगे, और ये जो बारीक कटी हुई धनिया की डंडी है वो भी डाल देंगे। अब इसको कम से कम 2 से 3 मिनट हम धीमी आंच पे पकने देंगे। ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमको इसको आलू में भरना है। इसको थोड़ी 1 से 2 मिनट हम पकने देंगे, जब तक मैं ये ढक्कन लगा के इसको पकने देता हूँ। अब यहाँ पर आलू हमने, देखिए मैंने आधे किलो आलू ले लिया था, उसको मैश करके रख दिया है बारीक। अब इसमें हम डालेंगे नमक, ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक डाल के मैंने उसको उबाल लिया था। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे हाथों से। अगर हम नमक नहीं डालेंगे और ऐसे ही बनाएंगे तो फिर फीका लगेगा, नमक का टेस्ट नहीं आएगा उसमें। तो कभी भी आप लोग बनाए तो नमक ज़रूर डालिए इसमें। मिक्स करके हम इसको रख देंगे, कीमा हुए तक अभी हम रख लेंगे। चलिए 1 से 2 मिनट हो गया है, अब देखते हैं। हो गया है। अब इसमें हम ये जो बारीक काट के रखे कोथमीर पुदीना ये भी डाल देंगे। बस
गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसको हम ठंडा करेंगे, इसको मैं पंखे के नीचे रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। चलिए देखिए हमारा कीमा ठंडा हो गया है। अब हम एक अंडा लेंगे, इसको तोड़ के हम इसमें डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डाल, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। ये तो मैं अंडा ले रही हूँ, अगर आप लोग अंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसके बदले में आप कॉर्नफ्लावर है वो 2 चम्मच लेके उसमें हल्का सा दूध डाल के आप उसको पतला जैसा बैटर कर दीजिए, वो भी चलेगा। ये हो गया रेडी हमारा, बनाते हैं कटलेट्स। बिस्मिल्लाह। कटलेट्स आपको जैसे बड़े बनाना है छोटे बनाना है वो आपकी मर्जी, कैसे भी आप लोग बना सकते हैं। तो पहला आलू को हम गोल करके इसको कटोरी नुमा बनाएंगे। इस तरीके से, क्योंकि हम इसमें भरेंगे कीमा। अच्छे से हम मिला लेंगे, अच्छे से इसको गोल कर लेंगे कि ये देखना है कि आलू उसके फट के हमारा कीमा बाहर नहीं आए, बस ये देखना है। देखिए आपको जिस टाइप के बनाने, ऐसे बनाने, अगर इससे बड़े बनाने हैं तो आप लोग बना सकते हैं। कि मैं पहले बना कर रख देती हूँ। ये देखिए मैंने 3 बना ली हूँ, बाकी के मैं बाद में बना लूँगी। सबसे पहला हम इसको क्या करेंगे, अंडे में 2 से 3 टाइम इसको ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेंगे। ये इस तरीके से अब इसको ब्रेड क्रम में हम डाल देंगे। अब इसको मेरे को ये हाथ से लेना पड़ेगा क्योंकि एक हाथ अंडे वाला है, तो ये हाथ से मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। अब इसको हम साइड में रख देंगे, इसको भी ऐसे ही 2 से 3 टाइम कर लेंगे। इस तरीके से मैंने बना के रख दी हूँ। अभी यहाँ पर तेल गरम हो रहा है और तेल भी हमारा गरम हो चुका है। अब मैं एक एक करके डालती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए स्लो स्लो डालना कि अपने मुंह पे तेल ना उड़े। पहले 2 ही तलती हूँ, कढ़ाई छोटी है वो हिसाब से मैं 2 डाली हूँ। अगर आप लोग की कढ़ाई बड़ी है तो आप 3, 4, 2 जितनी भी चाहे आप डाल के फ्राई कर सकते हो। तेज़ गरम हो गया, मीडियम गैस कर लेती हूँ मैं तो नीचे जल ना जाए। इसको 1 से 2 मिनट हम नीचे इसे पकने देंगे, ब्राउन कलर होएगा तो फिर हम इसको पलटाएंगे। हाँ हो गया है, 1 मिनट मैं इसको पलटा देती हूँ। वो संभाल के हमको इसको पलटाना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको फिर 1 से 2 मिनट हम पकने देंगे, नीचे भी ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसको निकाल देंगे। चलिए देखिए ये ब्राउन हो गए हैं, इससे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे हम इसको। अब निकाल लेंगे एक एक करके, तो संभाल के हमको इसको निकालना है।
देखिए हमारी रेसिपी तैयार हो गई। जिस तरीके से मैंने आपको बताया इसी तरीके से आप लोग ज़रूर बनाइए, खाइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।